हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। आज हम बनाएंगे हमारे मिथिला में होली में बनने वाली खास पारंपरिक मीठी पकवान पू। इसे दो तरह के आटे से बनाते हैं, पहला गेहूं के आटे से और दूसरी चावल की आटे से। तो आइए देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं और इसे बनाने के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गेहूं की आटे वाली पू। इसके लिए हमें चाहिए सामग्री गेहूं का आटा, ये हम 250 ग्राम यानी 250 ग्राम लिए हैं। गुड़ 200 ग्राम है, इसे अच्छी तरह से कूट लेना है, बारीक कूट लेंगे और इसमें पानी डाल करके इसे भींगने के लिए हम रख देंगे जिससे कि पूरी तरह से घुल जाए, इसमें कोई गांठ ना रहे, ताकि हमारे पुआ में कोई गांठ ना रहे गुड़ की। और मसाले में हमें चाहिए सादी सौंफ, कच्चा नारियल हम लिए हैं। मिथिला में कच्चा नारियल मीठे पकवान में डालने की बहुत ही ज़्यादा परंपरा है, खास करके जो गीली मीठी पकवान होती है जैसे खीर पुआ, इन सब चीज़ों में कच्चे नारियल को हम बारीक काट करके इसका प्रयोग करते हैं। और जो मीठी पकवान स्टोर करने वाली होती है उसमें सूखी नारियल जिसे हम गरी कहते हैं, तो मिथिला में नारियल का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है मीठे पकवानों में। अब हम आटे वाली पू का घोल तैयार कर लेंगे। तो आटा, सौंफ और कटी हुई नारियल को, जो गुड़ हम पानी में घोल कर रखे हैं उसके साथ थोड़े थोड़ा सा पानी डालते हुए हम ये गुड़ का पानी आटे को हम घोलेंगे। ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई गांठ ना बने और इसी तरह से बीच बीच में पानी डालते रहेंगे और इसका घोल हम तैयार कर लेंगे। तो घोल हमारा तैयार हो चुका है। घोल आपको इतनी थिकनेस की तैयार करनी है, घोल ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेल में जब हम डालेंगे पू तो वो बिखर जाएगा। तो घोल हमारा तैयार हो गया है, इसे 15-20 मिनट के लिए हम साइड में रख लेंगे ताकि थोड़ा सा ये भींगे। तो अब हम बनाएंगे हमारा दूसरा पू जो कि है चावल के आटे वाली। तो आइए देखते हैं कि उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। चावल का आटा हम 250 ग्राम लिए हैं, 250 ग्राम। दूध लगभग 1 लीटर। दूध को उबाल करके इसे रूम टेम्परेचर पे ले आना है, उसके बाद ही प्रयोग करना है। दूध अगर आप कच्चा रखेंगे तो कई बार अगर पुआ बनाते समय घोल बच जाएगा तो बहुत देर आप उसको नहीं रख पाएंगे, घोल खराब हो जाएगा। तो इसलिए दूध को गर्म कर ले और उसके बाद ही उसे रूम टेम्परेचर पर लाकर उसका प्रयोग करें। गुड़ 200 ग्राम है, इसे कूट लेना है और इसे थोड़े से दूध में घुलने के लिए रख देना है। गुड़ को दूध में बिल्कुल ही अच्छे से घुलने देना है, इसमें कोई गांठ नहीं रहे, ताकि हमारे पू में कोई गांठ ना हो गुड़ का। और हमें चाहिए कच्चा नारियल, इसे बारीक काट लेंगे। छुहारा, इसे भी बारीक काट लेना है। छोटी इलायची, इसका पाउडर बना लेंगे। तो अब हम चावल के आटे वाली पू का घोल तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लिए हैं चावल का आटा, कटा हुआ नारियल, कटी हुई छुहारा, इलायची पाउडर और अब इसमें दूध में घुली हुई गुड़ को इसके साथ मिलाते हुए हम इसका घोल तैयार करेंगे। और ज़रूरत है तो हम ऊपर से इसमें सादा दूध अब मिक्स करेंगे और इसे एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे, इसका थिक घोल हम बना लेंगे। तो घोल हमारा तैयार है, बस हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई गांठ नहीं रहे और इतनी ही मोटी घोल हमें तैयार करनी है।
तो घोल को हम 10 से 15 मिनट के लिए भीगने के लिए थोड़ा सा रख देंगे, चावल का आटा अच्छे से भीग जाए। और अब हम पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो गैस हम ऑन कर लिए हैं और कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसमें घी गर्म करेंगे। आप चाहे तो इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसे घी में ही बनाए, तो इसका बहुत ही अच्छा सा स्वाद और खुशबू दोनों आपको मिलेगा। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले इसमें हमें 2-3 बूंद पू के घोल का डालकर चेक कर लेना है कि घी हमारा सही तापमान पे गर्म हुआ है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि घी हमारा सही गर्म हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, छोटे छोटे जो दाने इसमें हमने डाले हैं। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे चावल के आटे वाली पू का घोल, और इसे इस तरह से साइड से इसको हम थोड़ा थोड़ा सा घी इसके ऊपर हम डालते रहेंगे, ताकि बीच में जो भी थोड़ा सा गाढ़ा सा घोल हो वो भी अच्छे से पक जाए, और जब हम इसे पलटे तो इसमें से घोल बिखरे नहीं घी में। और एक तरफ से अभी अच्छे से पक चुका है, तो इसे हम पलट लेंगे और इसे दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से पकने देंगे, और बीच बीच में हल्का सा इसे दबा दें और चारों तरफ से इसके ऊपर घी डाल दें, ताकि ये एक समान पके। और अब हम इसके साइड में एक और पू के लिए घोल रख देंगे, ताकि हमारा दूसरा पू भी एक साथ ही तैयार हो जाए, और इससे आपका घी का टेम्परेचर भी सही बना रहेगा, बहुत ज़्यादा घी गर्म नहीं होगा। तो फिर से इसे हम पलट लेंगे और दोनों ही तरफ से अच्छे से इसका कलर गोल्डन आ चुका है, तो इस पुए को हम निकाल लेंगे। और दूसरे को भी अब हम पलट लेंगे। और इसी तरह से इसका भी दोनों तरफ से सुनहरा कलर आ चुका है, तो इसे भी अब हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से बाकी बचे हुए घोल का हम पू बना लेंगे। और अब हम बनाएंगे हमारा दूसरा पू, आटे वाली, गेहूं की आटे वाली। तो इसे भी एक करछल से हम रखेंगे घोल को घी में, और इसके भी चारों तरफ से हम घी इसके ऊपर डालते रहेंगे, ताकि बीच का जो है वो भी अच्छे से पके, क्योंकि आटे का जो पू होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, और उसको थोड़ा सा पकने में भी टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल आप देख रहे हैं फूला फूला सा हुआ पक रहा है। तो एक तरफ से इसे हम पलट लेंगे, और फिर इसके साइड में हम एक और करछुल घोल रख देंगे एक और पुए का, और उसे भी पकने देंगे। और इसी तरह से इसके ऊपर भी साइड में इसको हम रखेंगे घी थोड़ा थोड़ा सा साइड से, और बीच बीच में हम दबाएंगे, ताकि हमारा पुआ अच्छे तरह से इसमें घी भी अंदर तक जाए, पके, और बिल्कुल ही फूला फूला सा पू आप देख रहे हैं कि आटे का पू तैयार हो रहा है। तो दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे और बाकी के भी पुए को हम पलट लेंगे। और अब हम इसमें एक और पू का घोल रख लेंगे साइड में, और इसी तरह से आप भी बीच में जैसे ही एक पू आपका तैयार होने लगे तो तुरंत एक पू का घोल उसमें रख दें, ताकि आपके तेल का भी तापमान बना रहे और जलने की संभावना ना हो। तो इसी तरह से आटे की फुली फुली हुई सीपू बनके हमारा तैयार हो चुका है, तो हम एक एक कर निकाल लेंगे। और इसी तरह से बाकी के भी पू हम बना लेंगे।
तो इस तरह से हमारा दोनों ही पुआ बन के तैयार है। वैसे मिथिला में इस चावल के आटे वाले पुआ और गेहूं के आटे वाले पुआ को पू कहते हैं। तो ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और पारंपरिक पकवान है होली के लिए। तो आप भी इसे बनाएं, खाएं और जानें मिथिला के स्वाद को। अगर आप मालपुआ मैदे वाली बनाना चाहें और उसमें शादी और केले की फ्लेवर वाली भी, तो उसका भी वीडियो है हमारे चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में मिथिला के किसी नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।